नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं योगेंद्र। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हाउस गार्डनिंग पर। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेंदे को कैसे फर्टिलाइज करें जबकि उस पे बर्ड्स आ रहे हैं और फ्लावरिंग स्टेज पर हो। दोस्तों, जब फ्लावरिंग स्टेज पर कोई भी पौधा होता है तो उसे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, कैल्शियम फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में कौन से आप खाद डालें जिससे कि हमारे फ्लावर का साइज बड़ा हो, पौधा हरा भरा रहे, तंदुरुस्त रहे और हमारे फ्लावर अच्छा खिले, तो इसके लिए आप कौन से खादों का यूज़ कर सकते हैं? तो चलिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इस लगभग 8 इंची के प्लास्टिक के ग्रो बैग में मेरे पास 3 पौधे लगे हुए हैं जो कि कटिंग से तैयार पौधे हैं, और मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी तो मेरे पास 4 से 5 कलियां और इसमें निकल आई हैं। तो बहुत सारे पौधे बन गए हैं और उनमें बर्ड्स भी खिल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद इसमें फ्लावर भी खिलना शुरू हो जाएंगे। ये हाइब्रिड वैरायटी के पौधे नहीं हैं, नॉर्मल वैरायटी के पौधे हैं। थोड़ा हाइट लेंगे तो पौधा बिल्कुल ग्रीन हरा भरा है और अब फ्लावरिंग स्टेज पर है। तो अब इस स्टेज पर कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी आप फर्टिलाइज़र दें तो उसकी मिट्टी को आप थोड़ा गुड़ाई कर दीजिए, यानी कि मिट्टी जड़ों के पास थोड़ा सा हिला दीजिए जिससे कि हम जो फर्टिलाइज़र दें वो जड़ों तक अच्छे से पहुंच पाए। इस तरह से आपको जड़ों में थोड़ा सा गुड़ाई कर देना है, अच्छे से गुड़ाई करना है ताकि हम जो भी फर्टिलाइज़र डालें हमारी पौधे की जड़ों तक अच्छे से पहुँच पाए और हमारा पौधा उसे अच्छे से ले सके। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट पौधे को एनर्जी बूस्ट करेगा, पौधे की जो नीड होगी उसे ऊर्जा देगा और पौधे को हरा भरा रखेगा। इस 8 इंची के ग्रो बैग में लगभग मैं 2 कप के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट डालूंगा क्योंकि इसमें 3 पौधे लगे हुए हैं। तो 3 पौधों के लिए मैं 2 कप के लगभग वर्मी कंपोस्ट इसमें डालूंगा। तो ये अभी फ्लावरिंग स्टेज पर है, इसके लिए एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट पूरा करेगा। तो वर्मी कंपोस्ट किसी भी स्टेज पर आप डाल सकते हैं, महीने में लगभग 1 बार आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो चलिए, दूसरा खाद आपको डालना है वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP। DAP हमारे पौधे के फ्लावरिंग स्टेज पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब फ्लावर आपका खिलने के लिए होता है तो उसके साइज को बढ़ाने के लिए और पौधे की जड़ों का विकास करने के लिए DAP फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वजह से हम DAP का यूज़ फ्लावरिंग स्टेज पर पौधे के किसी भी पौधे की फ्लावरिंग स्टेज पर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। DAP हमारे पौधे की जड़ों को डेवलप करता है, पौधे को हरा भरा रखता है और पौधे के स्टेम को भी मजबूत बनाता है। तो हमें इस स्टेज पर एक बार ज़रूर डाई अमोनियम फॉस्फेट का यूज़ करना चाहिए या फॉस्फोरस युक्त तो आप कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें फ्लावर आने पर मिलता है, हमारे फ्लावर का साइज अच्छा होता है और फूल देखने में चमकदार और ब्राइट होता है। तो चलिए, आप इस स्टेज पर तीसरा जो आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं वो है राख। लकड़ी की राख या कंडे की राख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसे यानी कि राख में फॉस्फोरस और कैल्शियम की मात्रा रहती है, तो हमारे फ्लावरिंग स्टेज पर जो पौधा होता है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है राख।
और ये आपको इजीली आपके घरों में से ही मिल जाता है। आप कोयले की राख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस 8 इंची के पॉट में लगभग 2 चम्मच या फिर 1 कप मैं राख डाल दूंगा। और राख हमारे पौधों की जड़ों को भी, राख से हमारे पौधों की जड़ें भी सुरक्षित रहती हैं। जड़ों में लगने वाले निमेटोड्स जैसे रोगों से हमारा राख बचाता है। तो आपको राख का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए अपने पौधों में। इसके बाद मैं थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट इसके ऊपर से मिला दूंगा। और उसके बाद हमें पानी डालना है। पानी उतना ही डालना है जितना कि हमारी जड़ों तक पहुंच पाए। ज़्यादा ओवर वाटरिंग हमें नहीं करनी। अगर ओवर वाटरिंग करोगे तो हमने जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद डाले हैं वो ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएंगे और पौधों की जड़ों को नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों ये था फ्लावरिंग स्टेज पर गेंदे की देखभाल कैसे करें, कौन से फर्टिलाइज़र डालें। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक।